दोस्तों 2015 में रिलीज़ हुई फिल्म वेलकम बैक के डायरेक्टर थे अनीस बाजमी। इस फिल्म में अनिल कपूर, नाना पाटेकर, जॉन अब्राहम, श्रुति हसन, शाइनी आहूजा, परेश रावल, नसीरुद्दीन शाह और डिंपल कपाड़िया जैसे कलाकारों ने काम किया है। IMDB ने इसे रेटिंग दी है 10 में से 4.3 और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर फिल्मों से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। इस फिल्म का टोटल बजट था 88 करोड़ और इस फिल्म ने टोटल 168 करोड़ रुपए कमाए थे। यह फिल्म उस साल की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म साल 2007 में आई फिल्म वेलकम की सीक्वल थी, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में थे। वेलकम फिल्म पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस फिल्म में अक्षय कुमार की जगह जॉन अब्राहम को कास्ट किया गया था। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर अनीस बाजमी ने कहा था कि अक्षय कुमार की जगह कोई नहीं ले सकता है, हमारे पास एक नई कहानी का आइडिया था, इसलिए इस फिल्म में एक नए एक्टर के रूप में जॉन अब्राहम को लिया गया था। लेकिन जॉन अब्राहम से पहले लीड रोल के लिए रणवीर सिंह और वरुण धवन के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन ये दोनों ही एक्टर्स न्यू कमर्स थे, इसलिए इनको नहीं चुना गया। पहले वेलकम फिल्म का सीक्वल बनाने के बारे में नहीं सोचा गया था, लेकिन जब यह देखा गया कि वेलकम फिल्म को टेलीविज़न पर दिखाए जाने पर हर बार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, तो प्रोड्यूसर्स ने वेलकम फिल्म का सीक्वल बनाने का फैसला किया था और वेलकम बैक नाम के टाइटल का रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी समय पहले करवा लिया था। फिल्म में पहले लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए सोनाक्षी सिन्हा को भी लिया जा रहा था, लेकिन डेट्स ना होने की वजह से उन्हें नहीं लिया गया और श्रुति हसन को ले लिया गया। इस फिल्म से शाइनी आहूजा बॉलीवुड में दोबारा कमबैक कर रहे हैं। फिल्म का काफ़ी बड़ा हिस्सा UAE में शूट किया गया था। यह बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग अबू धाबी के एमिरेट्स पैलेस में हुई थी। इससे पहले हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस एमिरेट्स पैलेस में शूटिंग की गई थी। बाद में फिल्म का एक गाना तूती बोले वेडिंग दी की शूटिंग के लिए एमिरेट्स पैलेस का डुप्लीकेट सेट मुंबई में फिल्म सिटी के अंदर बनाया गया था। पूरी शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर जॉन अब्राहम को प्यार से जोहनू कहकर बुलाते थे। इस फिल्म से जॉन अब्राहम ने सिंगिंग में भी डेब्यू किया था। उन्होंने फिल्म के एक गाने टाइम लगाए काहे को खुद गाया था। फिल्म में जॉन एक रेड कलर की लग्जरी स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, जिसकी नंबर प्लेट पर 786 लिखा होता है, जो प्रोड्यूसर फिरोज नादियादवाला का लकी नंबर है। एक फाइटिंग सीन की शूटिंग के समय जॉन अब्राहम को चोट लग गई थी, जब स्टंटमैन को जॉन के कंधों पर मुक्का मारना था, लेकिन वो गलती से उनके सिर पर मार देते हैं। अनीस बाजमी का डिंपल कपाड़िया के साथ काम करने का सपना था, जो इस फिल्म के साथ पूरा हो गया था। 1985 में आई डिंपल की फिल्म लावा में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अनीस बाजमी ने काम किया था और तभी से वो उनके साथ काम करना चाहते थे। बताया जाता है कि डिंपल के आउटफिट पर करोड़ों रुपये खर्चा किए गए थे। फिल्म के लिए रॉयल फैमिली ऑफ दुबई ने अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी किराए पर दिया था। फिल्म का एक सीन दुबई के मरघम डिजर्ट में फिल्माया गया है, जिसके लिए फिल्ममेकर्स को करीब 1000 ऊँटों की व्यवस्था करनी पड़ी थी। फिल्म में दुबई का जबील सराय अनिल कपूर का घर दिखाया गया है। 2011 में आई फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 4 घोस्ट प्रोटोकॉल में भी अनिल कपूर का घर दुबई का जबील सराय ही दिखाया गया था। दुनिया के पहले 5-स्टार ट्रैक साइड होटल मेदन, जो दुबई के मेदन रेस कोर्स में स्थित है, में एक कॉमेडी सीन भी शूट किया गया था। फिल्म का तीसरा पार्ट वेलकम टू द जंगल के नाम से बनाया जाएगा, जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। रिसेंटली नसीरुद्दीन शाह अपने एक इंटरव्यू में अपने कैरेक्टर के बारे में बात करते वक्त फिल्म का नाम ही भूल जाते हैं और भूल कर गलती से वेलकम बैक की जगह गुड बाय अगेन बोल देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।